बड़ौदा के संग्रहालय में रखा 1200 किलो का पत्थर आपको तब हैरानी में डाल देगा जब आप उस पर लिखा हुआ पढ़ेंगे कि गुलाम मोहम्मद बख्श ने 23 दिसंबर 1902 को न केवल इस पत्थर को उठा लिया था बल्कि वो इसे लेकर कुछ दूर चलने में भी सफल रहे थे। निश्चित ही आप सोचेंगे कि गुलाम मोहम्मद बख्श कोई दैत्याकार व्यक्ति होगा, लेकिन तब आप और हैरानी में पड़ जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि उनकी लंबाई महज 5 फुट 7 इंच थी। एक समय ऐसा भी आया था जब गुलाम मोहम्मद बख्श ने अपने हुनर और अपनी ताकत से पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया था। रुस्तम ए जहां और रुस्तम ए हिंद के नाम से जाने जाने वाले भारत के इस शेर को हम गामा पहलवान के नाम से जानते हैं। 1922 में वेल्स के राजकुमार ने भारत आकर उनकी प्रतिभा और हुनर को देखते हुए उन्हें चांदी का एक गदा तोहफे में दिया था। गामा जब तक अखाड़े में रहे तब तक विश्व का कोई भी पहलवान उनके सामने आने का साहस नहीं कर सका। यहाँ तक कि उस समय के वर्ल्ड चैंपियन जेविस्को ने भी अपनी हार से बचने के लिए उनके सामने ना आने का ही फैसला किया था। लोग तो यहाँ तक कयास लगाते हैं कि गामा और अगर किंग कॉन्ग के बीच कुश्ती हुई होती तो उसमें भी शायद गामा ही विजयी रहते। सपनों से लगने वाली उनकी कुश्ती की ये कहानी हमें बहुत ही हैरान कर देती है। तो आइए जानते हैं गामा के जीवन से जुड़ी हुई कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपका दोस्त सैम अपनी YouTube चैनल सुपर सैम स्टोरी में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। गुलाम मोहम्मद बख्श, जिन्हें हम गामा पहलवान के नाम से जानते हैं, उनका जन्म 22 मई 1878 को अमृतसर के जब्बोबाल गाँव के कश्मीरी गुर्जर परिवार में हुआ था। पिता की जल्दी मृत्यु होने के बाद उनका पालन पोषण उनके नाना के यहाँ हुआ, जो कि खुद एक मशहूर पहलवान थे। लेकिन गामा को पहलवानी के सारे गुर और पैतरे उनके मामा इडा पहलवान ने सिखाए। शुरुआती दिनों में ही उनकी क्षमता और योग्यता को देखकर सब चकित रह गए थे। उनका अभ्यास भी अन्य पहलवानों से अलग था। वो प्रत्येक मैच में एक पहलवान से नहीं बल्कि 40 प्रतिद्वंदियों से एक साथ भिड़ते थे और एक एक कर सबको चित कर देते थे। छोटे कद के गामा शारीरिक योग्यता में बेजोड़ थे। वे 100 किलो की हंसली पहनकर 5000 बैठक और 3000 दंड लगाते थे और वो यह कारनामा 30 से 45 मिनट में पूरा कर लेते थे। अगर उनके खाने की बात की जाए तो शायद किसी को भी भरोसा नहीं होगा कि 5 फुट 6 इंच का एक इंसान इतना खाना एक बार में खा सकता है। वो रोज 1.5 पाउंड बादाम पेस्ट के साथ 10 लीटर दूध पी जाते थे, साथ ही 0.5 लीटर घी, 2 देसी मटन, 6 देसी चिकन, 6 पाउंड मक्खन और मौसमी फलों की 3 टोकरे चट कर जाते थे। गामा का पहलवानी कैरियर 10 वर्ष की आयु में ही शुरू हो गया। सन 1888 ईस्वी में जब जोधपुर में भारतवर्ष के बड़े बड़े नामी पहलवानों को आमंत्रित किया गया, तब उसमें एक नाम गामा पहलवान का भी था। इस प्रतियोगिता में दंड बैठक और ऐसे ही थकाने वाले व्यायाम थे। लेकिन जोधपुर के महाराजा को आश्चर्य तब हुआ जब 450 पहलवानों में 15वें नंबर पर एक 10 साल का बच्चा आ पहुंचा। महाराजा ने इस कारनामे को देखते हुए गामा को विजेता घोषित कर दिया और इस तरह उनके इस महान सफ़र की शुरुआत हुई, जिसमें ना जाने अभी कितनी और अद्भुत घटनाएँ शामिल थीं। सही मायनों में गामा के असली कैरियर की शुरुआत 1895 ईस्वी से हुई, जब गुजरावाला के नामचीन पहलवान रहीम बख्श सुल्तानीवाला से उनका सामना हुआ। इस मुकाबले की विशेषता ये थी कि सुल्तानीवाला जहां 7 फिट लंबाई का एक मजा हुआ पहलवान था, जिसने अपने कैरियर में कभी हार का मुंह नहीं देखा था, वहीं गामा 5 फुट 7 इंच के एक 17 वर्ष के नौसिखिए थे। इस मुकाबले की उस समय इतनी चर्चा थी कि इसे देखने पूरे भारत से लोग पहुंचे थे और मुकाबला भी कुछ ऐसा ही रहा। सुल्तानीवाला का अनुभव और कद गामा के जोश और जुनून को झुका नहीं पा रहा था। दोनों पहलवानों ने भीषण द्वंद्व किया। गामा की नाक, मुंह और सर से खून बहने लगा, लेकिन गामा ने हार नहीं मानी और अंततः यह मुकाबला बराबरी पर ख़त्म हुआ। इस मुकाबले के बाद गामा को भारत के मशहूर पहलवानों में गिना जाने लगा। 1910 आते आते गामा ने सुल्तानी वालों को छोड़कर भारत के सभी महान पहलवानों को धूल चटा दी थी। अब उन्होंने लंदन में होने वाले विश्व टूर्नामेंट की तरफ रुख किया, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें एक अजीब समस्या का सामना करना पड़ा। उन्हें इस मुकाबले में यह कहकर भाग लेने से रोक दिया कि उनकी लंबाई बहुत कम है। इस पर उन्होंने घोषणा की कि वे केवल आधे घंटे के अंदर किसी भी भार वर्ग के 3 पहलवानों को अखाड़े से बाहर फेंक देंगे।
शुरू में लोगों को ये कोरी गप लगी और किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उन्होंने फ्रैंक गॉच और स्टैनिस्लॉस जेवस्के को चुनौती दे दी और यह भी घोषणा कर दी कि या तो उन्हें द्वंद्व में हरा देंगे या फिर हार कर उल्टा उन्हें इनाम की राशि देकर चले जाएंगे। इस घटना के बाद अमेरिकी पहलवान बेंजामिन रोलर ने उनकी चुनौती स्वीकार की। गामा ने सबको हैरान करते हुए उसे पहले राउंड में 1:40 में ही ज़मीन पर पटक दिया, वहीं दूसरे राउंड में 9:10 में ही उसे धराशायी कर दिया। अगले दिन गामा ने 12 और पहलवानों को चित कर वर्ल्ड टूर्नामेंट में प्रवेश किया। अब गामा का मुकाबला विश्व चैंपियन स्टैनिस्लॉस जेवस्को के साथ होना तय हो गया था। 10 सितंबर 1910 को यह मैच निर्धारित हुआ। मैच की इनामी राशि 250 पौंड और जॉन बुल बेल्ट थी, साथ ही जेवस्को की इज्जत भी दांव पर लगी थी। लेकिन सभी को हैरान करते हुए गामा ने जेवस्को को 1 मिनट के अंदर ही धराशायी कर दिया, और वह भी पूरे 2:35 के लिए। गामा के सामने जेवस्को की एक भी नहीं चल रही थी, वो बार बार हिम्मत जुटाकर उठता और फिर धराशायी हो जाता था। 3 घंटे चले इस मैच का कोई निर्णय नहीं निकल सका। इससे जेवस्को के फैंस को बहुत निराशा हुई और इसी के चलते 7 दिन बाद 17 सितंबर 1910 को फिर इन दोनों को अखाड़े में उतारने का निश्चय किया गया। लेकिन जेवस्को ने अंतिम समय में इस मुकाबले में ना पहुंचकर शायद अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की, लेकिन गामा को बिना लड़े ही विजेता घोषित कर दिया गया और इनामी राशि के साथ साथ उन्हें रुस्तम-ए-ज़माना का खिताब भी दिया गया। पूरी दुनिया को जीतने वाले गामा का एक प्रतिद्वंदी अभी भी भारत में उनका इंतजार कर रहा था। रहीम बख्श सुल्तानी वाला अभी भी भारत में अजय था, जिसके चलते गामा और उसका मुकाबला अलाहाबाद में रखा गया, जिसमें गामा ने उसे हरा कर रुस्तम-ए-हिंद का खिताब भी अपने नाम कर लिया। हालांकि गामा ने माना कि उनके जीवन काल में सबसे कड़ी टक्कर उन्हें सुल्तानी वाला से ही मिली थी। 1927 आते आते गामा पहलवान को चुनौती देने वाला कोई पहलवान नहीं बचा था। दुनिया ने एक बार फिर जेवस्को और गामा के एक मुकाबले का निर्णय लिया और 1928 में एक बार फिर दोनों पहलवान पटियाला के अखाड़े में आमने सामने थे। जेवस्को की हैरान कर देने वाली मस्कुलर बॉडी के सामने गामा काफ़ी पतले दुबले नज़र आ रहे थे, लेकिन एक बार फिर गामा ने सभी को हैरान करते हुए 1 मिनट में ही जेवस्को को चित कर दिया। अंततः जेवस्को ने अपनी हार मानते हुए उन्हें भारतीय कुश्ती का टाइगर कहा था। 1947 में हुए भारतीय विभाजन के बाद गामा पाकिस्तान चले गए, लेकिन इस विभाजन के समय हुए हिंदू मुस्लिम दंगों में गामा ने ना जाने कितने हिंदुओं की मदद की। गामा ने 1952 में कुश्ती से संन्यास ले लिया और उनका आखिरी समय बीमारियों से जूझते हुए बीता। इसमें न केवल पाकिस्तानी सरकार ने बल्कि भारत में रह रहे उनके लाखों प्रशंसकों ने भी उनका काफ़ी साथ दिया। उस समय के जाने माने कराटे चैंपियन ब्रूस ली भी गामा के बहुत बड़े प्रशंसक थे और वो उन पर छपे आर्टिकल्स को अखबारों में पढ़ना पसंद करते थे। उन्होंने भी गामा की तरह ही अपने शरीर को बनाने का प्रयास किया था। शायद यही वजह थी कि वो भी दंड बैठक और पुशअप पर बहुत जोर दिया करते थे। गामा की 100 किलो की हंसली आज भी पटियाला के राष्ट्रीय खेल संस्थान में उनके उस स्वर्णिम युग की याद दिलाती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो लोग अभी हमारे इस चैनल पर नए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, एक इल्तजा है कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब दिस YouTube चैनल और साथ में इस बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक गुड डे, शब खैर।